नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी जीएसटी फॉर यू चैनल पे। आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड एक रूल है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और वो रूल है दैट इज रिलेटेड टू द रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो आप परचेसेस करते हो वो परचेसेस पे जो टैक्स लग के आता है, जिसको हम लोग इनपुट टैक्स बुलाते हैं, तो उसका यूटिलाइजेशन जो है उस पर एक रिस्ट्रिक्शन लाया गया है थ्रू रूल 86B। ये रूल 86B क्या है वो देखेंगे, लेकिन लेट मी टेल यू कि ये रूल 86B के वजह से काफी सारे जेन्युइन टैक्स पेयर्स को सफर करना पड़ेगा, बल्कि उसमें काफी कम टैक्स पेयर्स इंक्लूड होंगे, बिकॉज वो जो आपका सप्लाई है उसके थ्रेशोल्ड के ऊपर जो अमाउंट है वही लोग सिर्फ कवर होने वाले हैं। फिर भी जो कवर हो जाएंगे उनको काफी दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। तो वो क्या है वो हम लोग शॉर्टली फर्स्ट देखेंगे कि रूल में क्या कहा गया है। तो रूल इज क्लियर दैट व्हाइल डिस्चार्जिंग योर टैक्स लायबिलिटी ऑन योर सेल्स, दैट इज आउटवर्ड सप्लाई, जो भी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइज करने वाले हो वो 100% आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। मिनिमम 1% यू हैव टू पे फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। मतलब अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अगर अमाउंट नहीं है तो यू हैव टू मेक अ चलन, इंसर्ट द अमाउंट इन टू योर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, उससे कम से कम 1% की पेमेंट करनी पड़ेगी, और रिमेनिंग जो 99% है यू कैन यूटिलाइज इफ यू हैव बैलेंस इन योर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। टू टेक एन एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर द एग्जाम्पल ये किसको एप्लीकेबल है वो देखेंगे कि एप्लीकेबिलिटी इज ओनली टू द पर्सन हु आर मेकिंग अ सप्लाई विच इज मोर देन 50 lakhs इन द पीरियड, दैट इज अ मंथ। तो किसी महीने में अगर मेरा सप्लाई 50 lakhs एक्सीड होता है तो दिस रूल 86B बिकम्स एप्लीकेबल फॉर दैट रिस्पेक्टिव मंथ ओनली। और ऐसा नहीं है कि वो एप्लीकेबल हो गया तो हर एक महीने को, हर एक साल को, जैसे हमारे बाकी सारे प्रोविजंस के लिए एप्लीकेबिलिटी देखते टाइम पिछले साल का टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर है, वो देख के एप्लीकेबिलिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाती है। वैसा नहीं है, हर एक महीने में मुझे फ्रेश आई हैव टू कंसिडर दिस एप्लीकेबिलिटी और देखना है कि ये एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता है। तो किसी महीने में मेरा अगर 50 lakh से ड्रॉप कम होता है सप्लाई, तो उस महीने में मुझे रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। किसी महीने में क्रॉस हो जाता है 50 lakhs तो इट विल बिकम एप्लीकेबल। अब ये 50 lakhs में क्या क्या कंसिडर होगा तो क्या क्या नहीं होगा वो देखते हैं। ऑल द सप्लाईज एक्सेप्ट मेरा एग्जेम्प्ट सप्लाई जो है, या तो फिर मेरा जीरो रेट जो एक्सपोर्ट का मेरा जो सप्लाई है वो काउंट नहीं होगा। तो टू गिव यू एन एग्जाम्पल, इफ माई लेट्स से माई टोटल सप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर मंथ लेट्स से इज 5 crores या 1 crore, और वो 1 crore में से 70 lakhs इज माई एक्सपोर्ट्स, तो मुझे रिमेनिंग बैलेंस इज माई 30 lakhs का डोमेस्टिक टैक्सेबल सप्लाई, तो वो उसमें मुझे ये रूल 86B एप्लीकेबल नहीं होगा। या तो फिर मेरा 1 crore का टोटल सप्लाई है इस एक मंथ का, और उस मंथ में मेरा लेट्स से कि 40 lakhs का मेरा एग्जेम्प्ट सप्लाई है 1 crore में से, और 20 lakhs का मेरा एक्सपोर्ट है, तो 60 lakhs मेरा चला गया और रिमेनिंग 40 lakhs ही बचता है जो डोमेस्टिक टैक्सेबल सप्लाई है, तो उस यहाँ पे भी मेरा कवर नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों 86B की एप्लीकेबिलिटी में एक एक्सक्लूजन इम्पॉर्टेंट है कि उसमें एग्जेम्प्ट या जीरो रेटेड का जो भी टर्नओवर है आपका वो कवर नहीं हो जाएगा। उसके बाद अभी एग्जाम्पल देखेंगे कि लेट्स से 1 crore का मेरा टर्नओवर हो गया है एक महीने का, जो डोमेस्टिक है टैक्सेबल टर्नओवर है, उसमें एग्जेम्प्ट नहीं है ना एक्सपोर्ट है, तो मुझे 86B एप्लीकेबल होता है। अभी 86B एप्लीकेबल होता है उसका मतलब क्या है, तो लेट्स से कि मेरा 18% उस पर टैक्स आता है, तो 1 crore पे 18% इज 18 lakh rupees, तो 18 lakh पे मेरा मिनिमम 1% इज 1,80,000, तो 1,80,000 मेरा कम से कम उसमें कैश लेजर से पे करना चाहिए, और रिमेनिंग जो है वो मैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यूटिलाइज कर सकता हूँ। दैट इज द एग्जाम्पल। उसके बाद और क्या है, तो दोस्त उसमें कुछ एक्सक्लूजन्स भी किए हुए हैं, तो वो एक्सक्लूजन्स अंडरस्टैंड करेंगे। तो एक्सक्लूजन से समझता है कि व्हाई दे हैव ब्रॉट दिस प्रोविजन। उनका इंटेंशन ये था कि काफी सारे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज चल रहे हैं, तो पीपल अननेसेसरीली टेक रजिस्ट्रेशन एंड देन दे यू नो रूट सम ट्रांजेक्शन, पास ऑन द इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड देन क्लोज द फॉर्म, एंड उसका अलग तरीके से फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
तो उसको रोकने के लिए दे वॉन्ट टू एस्टेब्लिश क्लियरली कि भाई ये टैक्स पेयर जेन्युइन है, इसने इतना इनकम टैक्स भी भरा है, इसने इतना एक्सपोर्ट भी किया हुआ है, इसने इतना आईटीसी का रिफंड भी क्लेम किया हुआ है, तो इसे जेन्युइन और वो भाग जाने वाला नहीं है, तो उनको एक्सक्लूड किया है। तो कौन से है? तो एक तो है कि जो इंडिविजुअल्स है जिन्होंने इनकम टैक्स 1 लाख के ऊपर का पे किया हुआ है, तो पेमेंट ऑफ टैक्सेस जो टोटल टैक्सेस है आपका, विच इंक्लूड्स योर टीडीएस, सेल्फ असेसमेंट टैक्स और टीसीएस, जो भी आपका टोटल पेमेंट ऑफ टैक्सेस है वो सब कवर हो जाएंगे, और एसेट टैक्स। तो उसके बाद जो रिफंड ऑफ आईटीसी जो है वो उन्होंने 1 लाख रुपए के ऊपर उन्होंने क्लेम किया हुआ है, ऐसे वालों को भी एक्सक्लूड किया गया है। तो ये कौन से केसेस आएंगे? ये आएगा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का एक केस आएगा, और उसी के साथ साथ एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स मतलब एलयूटी वाला एक केस आएगा। तो राधर ये केस कवर करके उन्होंने एक चीज अच्छा किया है कि भाई मैं अगर 1 लाख के ऊपर का रिफंड क्लेम कर रहा हूं, इसका मतलब है मेरा ऑलरेडी आईटीसी इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड, सो मुझे आईटीसी यूटिलाइज करना चाहिए, ना कि मेरे को कैश लेजर यूज करना चाहिए। तो उसको मद्देनजर रखते हुए इसको भी एक्सक्लूजन में कवर किया हुआ है। और एक उन्होंने एक्सक्लूजन किया हुआ है कि अगर आपने एक्यूमुलेशन कंसिडर करते हुए, मतलब ना कि सिर्फ दिस पर्टिकुलर मंथ बट ईयर स्टार्ट होने से, मतलब 1 अप्रैल किसी भी साल से 1 अप्रैल की डेट तक से आज की डेट तक अगर आपने जो भी रिटर्न्स फाइल किए हुए हैं उसमें एक्यूमुलेशन हम लोग करेंगे, क्यूमुलेटिव तरीके से देखेंगे, तो उसका अगर 1% के ऊपर आपका कैश लेजर का इस्तेमाल है तो आपको जरूरत नहीं है कि अगेन आप 1% कैश लेजर से पे करें। सो प्रोबेबली यू विल हैव टू कीप अ सेपरेट रिकॉर्ड और अ ट्रैक कि भाई आपने कितना कैश लेजर से इस्तेमाल किया आउट ऑफ टोटल लायबिलिटी। सो टोटल लायबिलिटी कैश यूटिलाइज उसका परसेंटेज आपको रेडी रखना पड़ेगा फॉर एवरी पीरियड। तो ये है, और गवर्नमेंट एंटिटीज, गवर्नमेंट बॉडीज उसको भी एप्लीकेबल नहीं है, और द कमिश्नर मे यू नो गिव दिस बेनिफिट टू दोज एंटिटीज हु ही थिंक्स दैट आर फिट फॉर यू नो अवेलिंग दिस बेनिफिट। तो एक यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर्स दे दी गई है, उस हिसाब से उनको भी एक्सक्लूड किया जाएगा। तो ओवरऑल ये था रूल 86B, मुझे लगता है जिस तरीके से ये रूल बनाया हुआ है काफी सारे इस पे रिप्रेजेंटेशंस जाने वाले हैं, काफी सारे पॉइंट आउट होने वाले चीजें कि हाउ इट इज नॉट एप्रोप्रिएट एटसेट्रा, बट एज फार एज द प्रोविजन इज कंसर्न दिस इज अ रूल, दिस हैज बीन मेड एप्लीकेबल टू द टैक्स पेयर। सो फ्रॉम कंप्लायंस पर्सपेक्टिव व्हाट वी शुड डू, नंबर एक, आपको ईयर स्टार्ट से लेके टिल डेट का जो भी आपका कैश यूटिलाइजेशन है कैश लेजर से उसका परसेंटेज रेडी रखना है, और आपको देखना है कि हर महीने अगर आपका 50 लाख के ऊपर आपका सप्लाई जा रहा है, द टैक्सेबल सप्लाई नॉट इंक्लूडिंग योर एक्सपोर्ट्स या एग्जाम सप्लाई, तो उस केस में आपको 1% यू मेक श्योर दैट यू पेड फ्रॉम योर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड रिमेनिंग लायबिलिटी यू कैन मिनिमम 1% एंड रिमेनिंग लायबिलिटी यू कैन डिस्चार्ज ऑफ थ्रू योर इनपुट टैक्स क्रेडिट्स, सो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। सो दैट वॉज इट फ्रॉम माई साइड, दिस वॉज रूल 86B फॉर यू। इफ यू हैव एनी डाउट्स क्वेश्चन यू कैन पुट इट इन द कमेंट्स सेक्शन बिलो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डोंट फर्गेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल इफ यू हैव ऑलरेडी नॉट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस।